इधर से बहुत पानी है तो अपन जाएंगे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है ये। दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, और ये चीज़ें फॉलो करो, सेफ रहोगे और मस्त तंदुरुस्त रहोगे। तो अभी बाइक यहाँ पे कहीं तो पार्क करेंगे हम लोग। लास्ट वाला ब्लॉग नहीं देखा तो देख लो, तब जाके समझ में आएगा आप लोगों को कि क्या सीन है, क्या से क्या कंटिन्यू हो रहा है। तो अभी मैंने SD कैम तो लगा दिया है चार्जिंग को, क्योंकि उस वो हो गया था थोड़ा बहुत डिस्चार्ज। तो फनसराय गाँव में अभी हम लोग पहुँच चुके हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत आगे जाके फिर वहाँ से नीचे ट्रैक चालू होता है। ट्रैक नहीं बोल सकते, ये बहुत ही अलग ट्रैक है, मतलब पहले डिसेंड करना होता है फिर बाद में चढ़ाई है, तो ये कुछ रोमांचक चीज़ है। और ज़्यादा मस्ती और फन चाहिए होगा तो ये ब्लॉग कंटिन्यू एंड तक देखो। अभी हेलमेट वगैरह यहाँ पे रखूँगा, मुझे बस एक ही टेंशन है कि हेलमेट कोई लेके ना जाए। वैसे तो मेरे पास लॉक है, लॉक लगा के फिर हम लोग जाएंगे। तो कातरदार वाटरफॉल जहाँ से चालू होता है ना, वो पॉइंट पे अपन लोग, मतलब फनसराय गाँव में, तो ये जो मेरे पीछे जो माउंटेन्स दिख रहे हैं वहाँ से जो वाटरफॉल होके आता है वो सब यहाँ से, ये जो दिख रहा है ना उसमें से फ्लो होके वो पॉइंट से नीचे गिरता है, और वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाके फिर है कातरदार का मेन पॉइंट, मतलब वो है मेन धबधबा कातरदार का। तो वहाँ पे जाने का है आज, वहाँ पे एक्सप्लोर करने का है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है, स्टे ट्यून्ड। और वो रहा राजमाची फोर्ट, जो कि हम लोगों ने शायद से पिछले या फिर उसके पहले वाले व्लॉग में कवर किया है। रास्ता माहिती तुला, रास्ता माहिती तुला, रास्ता माहिती माहिती, इथं पहिल्यांदा आली, कोणाला माहिती, तुला माहिती आहे रास्ता, तुला माहिती आहे रास्ता, तुला माहिती आहे रास्ता, सगळ्यांचं लय गान पोपट झालंय, कारण सगळे आलेत माझ्या भरोश्यावर आणि मला सांगितलंच नाही, मतलब मुझे पता आहे ना की मेरे भरोसे आहे सब लोग। मैं एक ही बार लास्ट ईयर आया था और उसके बाद निसर्ग साइक्लोन हुआ है, तो बहुत सारे जो पेड़ है वो गिर चुके हैं, तो अभी बहुत मज़ा आने वाला है। अननोन जो ट्रेल्स होते हैं ना उसमें जो एडवेंचर होता है वो सबसे बेहतर होता है। Oh my God! तो ये तो कुछ भी नहीं है, मतलब अभी बहुत कम डर्ट लगा है, लेकिन जब पूरा बारिश होती है और पूरा कीचड़ होता है ना, तो पूरी की पूरी बाइक आगे से पीछे तक पूरी भर जाती है। प्लान में थोड़े बहुत चेंजेस आ चुके हैं, जो कि हम लोग ने वहाँ पे बाइक पार्क की थी, लेकिन वहाँ से यहाँ तक का रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है, तो हम लोग ने सोचा कि नहीं बाइक लेके आते, तो बाइक यहाँ पे पीछे पार्क करी है। और वहाँ पे दो मैंगो के ट्रीज़ है, उनके बीच में से उतरना चालू होता है, मतलब डिसेंडिंग चालू होती है। वो जो पीछे दो ये और ये मैंगो ट्रीज दिख रहे, वहाँ से नीचे उतर के फिर ट्रेल चालू होता है। यहाँ से काफ़ी सारी गाड़ियाँ है, तो बहुत से लोग आ चुके हैं ऑलरेडी, और हम लोग थोड़ा बहुत लेट हो चुके हैं, 10 बज चुके हैं, तो उतरते उतरते तो टाइम होने वाला है, लेकिन चढ़ते वक्त वाट लगने वाली है। जब पहले हम लोग आए थे ना तो वो रास्ता अभी बंद हो चुका है शायद से, तो ये दूसरा वाला रास्ता है, और मतलब वो वाले रास्ते से ऐसा प्लेन पैच तो आता ही नहीं था। लेकिन एक पॉइंट अच्छा है कि जगह जगह पे आप लोगों को ऐसे निशानी दिखेगी कि कहाँ से जाना है, जैसे कि यहाँ पे छतरी है, वहाँ पे पीछे से दगड़ रखे हुए थे, तो आप लोगों को समझ जाना है कि वो एक रूट की, क्या बोलते हैं उसको, एक रूट का डायरेक्शन है, वो उसको फॉलो करते करते जाओ आणि मग तुम्हाला फाइनल स्पॉट मिळेल असं मला वाटतंय। अभी आप लोगों ने वो स्मॉल कैमरा से देखा होगा क्या मस्त नज़र है, थोड़ा बहुत स्लिपरी है तो थोड़ा ध्यान दे देख के मैं चल रहा हूँ, माँ कसम दोनों हाथ में कुछ तो है, चगावत पढ़ लो बिटलो तो आंधे होते रहा।
तो यही ट्रेल के मैं बात कर रहा था। ऐसे ट्रेल्स जो होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है, मतलब नॉर्मल जो ट्रेल्स होते हैं ना, ट्रैक करो जाओ, दैट इज़ नॉर्मल। वो सब इतना पसंद नहीं है जितना कि ऐसे ट्रेल्स पसंद है। वाह, वैसे यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फोटोज़ क्लिक करने वाले हम लोग, तो जाओ इंस्टा पे फॉलो करो, इंस्टा किधर तो आईडी दिख रहा होगा, जाके फॉलो करो। हाँ अभी तुम लोगों को दिखा तो मैं, ये देखो ऐसे मार्किंग्स है तो आप लोग इनको फॉलो कर सकते हो, या फिर ऐसे रिबन्स है जो वहाँ पे दिख रही है ना, ऐसे रिबन्स बांधे हुए हैं जगह जगह पे, तो वो भी फॉलो कर सकते हो। और जो मैं पहले वाले रास्ते से आया था ना, मतलब लास्ट टाइम, वो रास्ता यहाँ पे मिलता है, मतलब ये देखो यहाँ से वो रास्ता दिख रहा है ना, वहाँ से यहाँ पे और वहाँ से यहाँ पे, अभी यहाँ से आगे। ये पूरा जो उतर का जो पैच पैच है ना, पूरा स्लिपरी हो गया है। जब भी आपको ऐसे स्लिपरी पैच उतरने का रहेगा ना, तो पैर टेढ़ा डालने का, नहीं तो फिर ऐसा कुछ भी दिखा ना तो उस पे ऐसे पैर आड़ा देने का, तो ग्रिप मिलती है थोड़ी बहुत, इट हेल्प्स। सीधे सीधे उतरोगे तो बैलेंस जाता है, तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया, आप लोग कर सकते हो ऐसा। हम लोग तो कर रहे हैं, वैसे हम लोग आए एकदम वहाँ से टॉप से उतर 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 के। ए हाय करा, हाय। अभी और यहाँ से उतर के आगे जाना है। अभी तक तो ऑल फाइन, अभी देखते हैं धीरे धीरे। एक उद्घाटन हो गया हमारा, हमारे में से एक जन गिर चुका है, अभी देखते आगे। फाइनली ब्लैडर का उपयोग हो गया, लिया था कब और यूज़ अभी आ रहा है, फाइनली मुझे मौका मिल गया कि इसको यूज़ कर पाऊँ। बेस्ट है ये हाइकिंग और ट्रेकिंग अगर आप लोग कर रहे हो ना, तो बेस्ट है एक ब्लैडर ले लो, इसका पाइप ऐसे बाहर आ जाता है बैग से, और लोग कभी भी अपना पानी पी सकते हो, बेस्ट चीज़ है। चलो आगे बढ़ते, सब लोग आगे निकल गए, मैं ही पीछे रह गया हूँ। आगे बढ़ते, मास्क वापस से ऑन, चलो। ऐसे पॉइंट पे आ चुके हैं जहाँ से नीचे का नज़ारा थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, क्योंकि अभी तक तो पूरा जंगल में ही थे, देख सकते हो यहाँ से पूरा वैली, और भी नीचे बहुत उतरना है, मतलब आई गेस अभी और आधा उतरना है नीचे। और यहाँ से राजमाची के दोनों फोर्ट दिखते हैं, एक तो ये और उसके आगे ये वाला, तो अपन लोग ने ये वाला एक्सप्लोर कर चुका है, वो करना है, करेंगे ज़रूर। ठीक है, तो जो फोर्ट है ना, दैट इज श्रीवर्धन फोर्ट, और वो है मनोरंजन खुश का। हाँ तो अभी उसके, अरे यार मैं क्या मनतो है, अभी इधर से आगे जाके और थोड़ा नीचे उतर के फिर एक वाटरफॉल लगेगा, मतलब वो इतना खास नहीं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश हो सकते हैं, क्योंकि अभी देखो ह्यूमिडिटी इतनी है ना जंगल में कि बहुत पसीना आ रहा है, उतरते वक्त ही इतना पसीना आ रहा है, तो चढ़ते वक्त क्या हाल होने वाले सोच सकते हो। और यहाँ पे आ रहे हो तो प्लीज़ शूज़ अच्छे पहन के आओ, और बिल्कुल भी मस्ती मत करना, क्योंकि सटक गए ना एक बार तो डायरेक्ट समझ जाओ फिर। चलो आता हूँ अभी नीचे मिलूँगा, नहीं तो फिर ब्लॉग ज़्यादा बढ़ जाएगा। बाय बाय।
फाइनली जो पहला वाला वाटरफॉल है, मतलब पहला वाला पॉइंट यहाँ पे बोल सकते हो, रेस्ट ले सकते हो आप लोग, तो वहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्रेश वगैरह होके आगे प्रोसीड करेंगे, अभी और बहुत आगे जाना है। देखो वाटरफॉल से अभी हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ से अभी प्लेन है, मतलब ज़्यादा कुछ ऐसा ट्रेक काइंड ऑफ नहीं है। अभी सटक गया था ना भाई भाई, तो अभी यहाँ से और आगे जाके फिर फाइनल डेस्टिनेशन पे ही पहुँचूंगा, अगर कुछ दिखा मेरे को तो। ये देखो ऐसे पेड़ वेड़ पड़े हुए हैं सब मिस्टर के साइक्लोन की वजह से। जो दूसरा रास्ता था वो तो और भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो इसलिए ये रास्ता प्रिफर करो, दूसरा रास्ता है ही नहीं। देख सकते हो आप लोग पूरे, मतलब पेड़ वेड़ यहाँ पे सब गिरे हुए हैं, और पूरा जंगल के अंदर से रास्ता है। भी यहाँ से थोड़ी दूर में है कातरधार का एक पॉइंट, और एकदम नीचे जाने की कोशिश करेंगे, देखते ट्राई करते। लास्ट टाइम जब आया था ना तब पूरा नीचे नहीं जा पाया था मैं। 2000 years later यहाँ से एक छोटी सी झलक दिख रही है सिर्फ कातरधार वाटरफॉल की, और इट्स सो ब्यूटीफुल। थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा आपको पूरा मज़ा लेने के लिए, मतलब यहाँ आना है ना वर्थ हो जाता है जब आप ये पॉइंट तक पहुँच जाते हो। रुको, वहाँ पे देख रहे हो वाइट 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 वाइट, वो है वाटरफॉल, आवाज़ सुन सकते हो? नो अभी बस इतना पार्ट चढ़ के जाना है, और फिर वो वाले पॉइंट पे तो पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ से नीचे जाने की कोशिश ज़रूर करेंगे इस बार यार, क्योंकि मुझे नीचे जाना है, क्योंकि वहाँ से जो फोटोज़ आएंगे आप लोगों के लिए एक नंबर कर लेना, एक नंबर। 50 रुपये कट ओवर एक्टिंग। एंड फाइनली जिस घड़ी का आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है दोस्तों, अच्छा गावत। और ये आई प्रेजेंट बिफोर यू द ब्यूटीफुल कातरधार वाटरफॉल। देख सकते हो आप लोग, बारिश कम होने के कारण पानी का फ्लो थोड़ा कम है, लेकिन इट्स ब्यूटीफुल। अभी यहाँ से वैसे उतरेंगे नीचे वहाँ पे, और भी अच्छा व्यू आप लोगों को दूंगा। अभी फाइनली हम लोग एकदम नीचे के पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो आवाज़ मुझे पता नहीं आ रहा है भी या नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आवाज़ है वाटरफॉल का, और देख सकते हो। अभी सीन ये हो चुका है, जो हमारा एक्शन कैम है ना वो हो चुका है फुल हो गया, होल्ड हो गया या फिर उसमें पानी गया की वजह से हैंग हुए हैं, मुझे नहीं पता क्या सीन है। तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ इससे जितना हो पाए उतना शूट करके आप लोगों को दिखाओ। वैसे तो वाटरफॉल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, आपको आवाज़ आ रही है, पूरा पानी कैमरे पे आ रहा है। अभी वापस जाएंगे थोड़ा बहुत देखेंगे, वैसे तो मैं जाके आ चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए इधर से बहुत पानी है, तो अपन जाएंगे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। तो यहाँ से व्यू देख सकते हो, यहाँ से ऊपर से पूरा का पूरा वाटरफॉल।
चुके। तो गाइज मैंने ट्राई किया वहाँ पे जाने का, लेकिन पानी इतना ज़्यादा है कि फ़ोन पूरा का पूरा हैंग हो चुका था। और मैं अभी माइक भी नहीं यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि माइक की भी बैंड बज चुकी है, कैमरे की तो बैंड बज ही चुकी है, फ़ोन बस थोड़ा बहुत बचा है, लेकिन मुझे लग रहा है वो भी जाएगा। तो इसलिए मैं फटाफट एंड कर रहा हूँ। आई एम सो सॉरी कि मैं ये व्लॉग अच्छे से तुमको ये नहीं दिखा पाया, मैंने पूरा ट्राई किया। तो गाइज ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। रूपेश बाद में हमें ज्वाइन हुआ तो ये भी आ गया। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करता हूँ। गाइज आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताओ। सर तुम्हारा जर आवड़ असल तो नक्की लाइक करा, आनी नसन आवड़ा तो डिसलाइक करा, डिसलाइक का भी बटन है नीचे, कमेंट करके बताओ कुछ सजेशन होंगे तो। और प्लीज़ रूट के मत जाओ, कमेंट करो। आई एम सो सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आई नो आप लोग सपोर्ट दिखाओगे, पसंद करोगे, लाइक करके ही जाओगे। आपका भाई हूँ, लाड़का भाऊ है मैं तुमचा, तो प्लीज़ एवढं करा आणि भेटूयात नेक्स्ट व्लॉग मध्ये। प्लीज गाइस बार बार मैं वही बोल रहा हूँ, तो चलो साइनिंग ऑफ हेमंत राउत। बाय बाय। सबसे ज़्यादा अपने घर वालों का ख्याल रखो क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय बाय। और ये जो ऐसे पैचेस होते हैं ना जहाँ पे पानी नीचे तरफ फ्लो करता है, तो ट्राई करना कि ये वाले कॉर्नर से ही चलो, क्योंकि स्लिप हो सकता है पैर। कितने भी आपके पावरफुल जूते हो, डजेंट मैटर, स्लिप होना है तो हो ही जाएगा।